कि एक बड़ी खबर आपको बता दें, वारंट और सरेंडर को लेकर विवादों में आए बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया है। अब वो कानून मंत्रालय की जगह गद्दा विभाग संभालेंगे। सरेंडर की जगह मंत्री पद की शपथ लेने के मामले में कार्तिक कुमार विवादों में आए थे। इस मामले में विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार को निशाना बना रहा था। तो बड़ी खबर बिहार से है, जहां बिहार की नई महागठबंधन सरकार में फेरबदल हुआ है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल दो मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने कार्तिक कुमार को विधि मंत्री से हटाकर उन्हें गन्ना उद्योग विभाग दिया है और उनकी जगह शमीम अहमद को विधि मंत्री बनाया गया है। सुजीत झा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनसे बात करेंगे। ये बड़ी खबर, फेरबदल हुआ है महागठबंधन सरकार में, अब और कौन कौन से नेता हैं जिनका विभाग बदला जा सकता है? बताया जा रहा है कि दो ऐसे मंत्री हैं जिनका विभाग बदला गया है। सुजीत, बिल्कुल, देखिए कार्तिकेय कुमार जब शपथ लिए थे उस 16 अगस्त को, उसी दिन उनको सरेंडर करना था। हालांकि 12 अगस्त को कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिखाया गया, जिसमें ये कहा गया था कि वो 1 सितंबर तक उन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी। अब आज मतलब 30 अगस्त को इनका विभाग बदल दिया गया है, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि एक आपराधिक मामले में आरोपी कोई व्यक्ति कानून मंत्री कैसे हो सकता है, कोई और मंत्रालय उनको मिल सकता था। इसको लेकर बीजेपी काफी हमलावर थी, और जब ऐसे व्यक्ति को जो कानून का दोषी हो, जिस पर अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज हो और वारंट जारी हो, ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री कैसे बनाया जा सकता है? तो नीतीश कुमार ने इस पर कहा था कि जो भी फैसला लेंगे वो तेजस्वी यादव लेंगे, क्योंकि ये आरजेडी के एमएलसी हैं कार्तिकेय कुमार। तो तेजस्वी यादव ने उनका विभाग बदलने का फैसला लिया है और उन्हें विधि मंत्री से हटाकर अब गन्ना उद्योग विभाग दिया गया है, और शमीम अहमद जो पहले गन्ना उद्योग मंत्री थे उन्हें अब विधि मंत्री बनाया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरीके से ये सरकार की तरफ से एक डैमेज कंट्रोल दिया, और दूसरा ये है कि 1 सितंबर तक ही उनके गिरफ्तारी पर रोक लगी है। अब 1 सितंबर के को वो जब कोर्ट में होंगे तो आगे कोर्ट की क्या कार्रवाई होती है ये भी देखना होगा। बिल्कुल सुजीत, तो बिहार की नीतीश सरकार के कई मंत्रियों के दागे चरित्र को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और रोजाना नए खुलासे भी कर रही है। अभी आपने डैमेज कंट्रोल की बात की, और कौन कौन से नेता है जिन पर गाज गिर सकती है? देखिए अभी जो आरोप तो कई सारे हैं, कई दागी जो मंत्री हैं जिन पर कई आपराधिक मामले हैं उनके नामों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कार्तिकेय कुमार पर चूंकि वारंट जारी था इसको लेकर ज्यादा विवाद हुआ। सुरेंद्र यादव हो गए, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि हम कह सकते हैं कि उन पर आपराधिक मामले हैं।